हेलो फ्रेंड्स, व्हाट डू यू नो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की पूरी कथा। जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें, और आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। देवों के देव भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का व्रत विशेष महत्व रखता है। खासकर महाशिवरात्रि पर मंदिरों में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। तीनों लोकों के मालिक भगवान शिव का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि है। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पृथ्वी पर उन जगहों पर होते हैं जहां जहां उनके शिवलिंग हैं। यह पर्व फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं शिवरात्रि? ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह हुआ था और इसी दिन पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने कालकूट नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था जो समुद्र मंथन के समय बाहर आया था। इस साल यह शुभ व्रत शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर उपवास की मनोकामना पूरी करते हैं। इस व्रत को सभी स्त्री पुरुष बच्चे युवा बुजुर्ग करते हैं। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने पर और शिव पूजन, शिव कथा, शिव स्त्रोत्रों का पाठ व नमः शिवाय का पाठ करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। व्रत के दूसरे दिन यथाशक्ति वस्त्र क्षीर सहित भोजन दक्षिणा दिया जाता है। व्रत की महिमा। इस व्रत के विषय में मान्यता है कि जो व्रत करता करता है उसे सभी भोगों की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी पापों का क्षय करने वाला है। इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक करने के बाद विधि विधान के अनुसार इसका समापन करना चाहिए। व्रत का संकल्प। व्रत का संकल्प संवत नाम मास पक्ष तिथि नक्षत्र अपने नाम व गोत्रादि का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प करने के लिए हाथ में जल, चावल, पुष्प आदि सामग्री लेकर शिवलिंग पर छोड़ दी जाती है। शिव अभिषेक विधि। महाशिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक करने के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी भरकर पानी में बेलपत्र, आग, धतू, रेके, पुष्प, चावल आदि डालकर शिवलिंग को अर्पित किए जाते हैं। व्रत के दिन शिव पुराण का पाठ सुनना चाहिए और मन में असात्विक विचारों को आने से रोकना चाहिए। शिवरात्रि के अगले दिन सवेरे ज्योतिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। विधि विधान। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त का जमावड़ा शिव मंदिरों में विशेष रूप से देखने को मिलता है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं जब उनका पूजन बेलपत्र आदि चढ़ाते हुए किया जाता है। व्रत करने और पूजन के साथ जब रात्रि जागरण भी किया जाए तो यह व्रत और अधिक शुभ फल देता है। इस दिन भगवान शिव की शादी हुई थी इसलिए रात्रि में शिव की बारात निकाली जाती है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।